हमारे यहाँ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते पाकिस्तानी कल्चर में, प्रॉफिट बेस को जो है ना सेलिंग की जाती है कि जहाँ मुनाफा हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, जो नॉर्थ अमेरिकन है, ये दोनों चीज, ये प्रॉफिट तो जाहिर है कोई भी बगैर प्रॉफिट के बिजनेस नहीं करता, ठीक है, बट एट टॉप ऑफ दैट दे प्रोवाइड यू इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी टू, कि अगर आपको किसी वजह से एक चीज पसंद नहीं आई एंड यू वुड लाइक टू रिटर्न इट, दे विल टेक इट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, हमारे यहाँ थोड़ा सा रिजिड होते हैं लोग नंबर एक, क्योंकि बिकॉज दे मैनिपुलेट पीपल, जैसे रिजवान भाई ने बताया कई जगह जो होता है वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, ऐसा करने की वजह से वो चोर होते हैं, तो उनकी दाढ़ी में तिनका होता है आम तौर पे जो हम कहते हैं। लेकिन कल्चर देखिए, बुनियादी तौर पे सेल्स सेल्स है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं, दोनों चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी जाए ना, सेलिंग इज सेलिंग अनलेस यू आर मैनिपुलेटेड, ये बंदे पे होता है। सेल्स इट्सेल्फ इज द सेम थिंग, प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे ना, लेकिन अगर चाहे तो आप, लेकिन हमारे यहाँ लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसी कल्चर में उसको मिसयूज किया जाता है, किसी में अब्यूज किया जाता है और किसी में सही यूज किया जाता है, तो अब हमारे यहाँ थोड़ा सा अब्यूज किया जाता है उसको, तो ये फर्क है। लेकिन अगेन उसकी वजह मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता कि हमारे यहाँ ऐसी कोई तरबियती इदारे ही नहीं है। देखें आपके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में सब कामों के लिए डिग्रियाँ तो दस्तयाब हैं, मुझे बताइए सेल्स की डिग्री कहाँ मिलती है, किस यूनिवर्सिटी में दी जाती है? तो जब आपने वो इल्म ही नहीं पढ़ाया जो कि खुद एक इल्म है, जो कि एक स्किल है, इंतहाई अहम स्किल है जिंदगी की, उसको हमने पढ़ाने का कोई इंतजाम ही नहीं किया अपने पूरे मुल्क में, तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे यही होंगे।